नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एकोनाइट नेपेलस या एकोनाइट या एकोनाइटम नेपेलस। तो आज हम देखेंगे कि इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एकोनाइट। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कॉमन नेम, तो ये मॉन्क्सवुड फैमिली रेनेन्क्यूलेसी है जो कि वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है। और जो मदर टिंचर के लिए पार्ट यूज़ किया जाता है, रूट प्रोक्योर्ड बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के पहले रूट से मदर टिंचर बनाया जाता है। जो थर्मल रिलेशन है वो टूवर्ड्स चिली है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स की बात करें तो इट्स जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि एकोनाइट का जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो सडन एंड वायलेंट, सडननेस है, एक्यूटनेस है। तो एक्यूट और रिसेंट केसेस अकरिंग इन यंग पर्सन, स्पेशली ऑफ गर्ल्स, अ फुल प्लेथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंट्री लाइफ, पर्सन ईजिली अफेक्टेड बाई एटमोस्फेरिक चेंजेस, डार्क हेयर आइज एंड रिजिड मस्कुलर फाइबर। तो एक्यूट एंड रिसेंट केसेस जो कि यंग पीपल्स में होते हैं, स्पेशली इन द गर्ल्स। अगर हम इसके मेंटल जनरल की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और करेक्टरिस्टिक है, ग्रेट फियर एंड एनजाइटी विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, और इतना ज़्यादा डर है, अफ्रेड टू गो आउट, बाहर जाने से भी डरता है, टू गो इन टू अ क्राउड, भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी जाने से डरता, वेयर देर इज एनी एक्साइटमेंट और मेनी पीपल टू क्रॉस द स्ट्रीट, बाहर जाने से, रोड क्रॉस करने से। तो यहाँ पर डर और चिंता है। अब ऐसी कोई से भी बीमारी जिसमें डर और चिंता हो, जैसे कि अभी हमने देखा था अफ्रेड टू गो आउट, जैसे कि कोविड फर्स्ट वेव में देखिए कि आपको ऐसा लग रहा था कि घर से बाहर जाऊंगा और मुझे बीमारी पकड़ लेगी, घर से बाहर थोड़ा भी गया मैं, कहीं भी छुआ मैंने तो मुझे बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह के केसेस में मैंने एकोनाइट काफ़ी यूज़ करी कोविड फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव में, जहाँ पे डर और चिंता बहुत ज़्यादा हावी थी। जैसे कि लिखा हो ग्रेट फियर एंड एनजाइटी ऑफ माइंड, और यहाँ पे एक सिम्टम्स लिखा अफ्रेड टू गो आउट, बाहर जाने से भी। और अभी कोविड में इस तरह के सिम्टम्स बहुत सारे पेशेंट में जो कि देखे गए हैं कि अफ्रेड टू गो आउट, बाहर जाने से ऐसा लगता था पेशेंट को कि ये बीमारी मुझे पकड़ लेगी या मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं घर के अंदर ही रहूं। जो अगला सिम्टम्स है, द काउंटेनेंस इज एक्सपेंसिव ऑफ फियर, द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबली बाई फियर, इश्योर हिज डिजीज विल प्रूव फैटल। पेशेंट को ऐसा लगने लगता था कि जो बीमारी है ना ये फैटल है, या ये मुझे साथ लेके ही जाएगी, या मैं मर जाऊंगा, ऐसा डर पेशेंट को बना रहता था, चिंता बनी रहती थी। प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, इवन पेशेंट ऐसा प्रेडिक्ट भी करता है कि फलाने दिन या उस दिन में मर जाऊंगा। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को इस तरीके का डर सताता हो कि वो मर जाएगी, तो हम एकोनाइट का चुनाव सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम आगे इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो रेस्टलेसनेस, एंजियस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेजिटी, मस्ट चेंज पोजिशंस ऑफन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम। तो यहाँ पर रेस्टलेसनेस बनी हुई है पेशेंट को, और वो रेस्टलेसनेस इसलिए कि एनजाइटी है, और एनजाइटी डर की वजह से, डर के साथ है। तो यहाँ पर रेस्टलेसनेस विथ फियर एंड एनजाइटी है, पेशेंट एनजियस भी है, और हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि डर है कि कहीं मर ना जाए, तो मरने से पहले हर चीज़ सेटल। ऐसा हमने कोविड में सेम चीज़ें देखी हुई कि पेशेंट क्या चाहता था कि डॉक्टर साहब मरने से पहले मैं तो बिल करवा देता हूँ या विल बना देता हूँ। पेशेंट को मतलब ऐसा लगता था कि जो भी लेना देना है वो सब कर दूं और जल्दी से जो भी हो जाए, जो भी प्रॉपर्टीज़ वो बच्चों को बता दी कि अब यहाँ पे इतना है, वहाँ पे इतना है, यहाँ पे सब कुछ उसने पेशेंट ने बता दिया। पेशेंट इतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस था और जब डर इतना हावी था कि पेशेंट को ऐसा लगता था कि वो घर से भी बाहर अगर निकला तो पेशेंट की बीमारी पकड़ लेगी, बीमार हो जाएगा या पेशेंट मर जाएगा, इस तरीके का डर। और अगर किसी फीमेल्स को एकोनाइट के केसेस में, अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इस तरीके का डर सताता हो तो भी हम एकोनाइट दे सकते हैं। डॉक्टर हनीमन ने एकोनाइट के बारे में कहा, वेन एवर एकोनाइट चूजन होम्योपैथिकली, यू मस्ट अबो ऑल ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम्स एंड बी केयरफुल दैट इट क्लोजली रिजेंबल देम, द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, द रेस्टलेसनेस दैट इज क्विट नॉट टू बी अलाइड। तो ये डॉक्टर हनीमन ने कहा, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि AIPGT में सेम पूछा जा सकता है कि क्या कहा है डॉक्टर हनीमन ने, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इस मेडिसिन के बारे में कहा है। अगर हम आगे और मेंटल जनरल की बात करें, दिस मेंटल एंजाइटी वरी फियर अकम्पनाइज द मोस्ट ट्राइबल सिम्टम्स। ये देख लीजिए, जैसा कि किसी भी बीमारी के साथ अगर चिंता और डर बना हुआ है तो आप एकोनाइट का सिलेक्शन कर सकते हैं।
यहाँ पे लिखा है म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक्स हर सेड। पेशेंट इतना ज़्यादा चिंता दुख में होता है, एंग्विश में होता है कि उसे अगर म्यूजिक से पेशेंट को ठीक लगता है जनरली, बट यहाँ पे पेशेंट को ऐसा लगता है म्यूजिक सुनते ही पेशेंट दुखी होने लगता है, म्यूजिक सहन ही नहीं कर पाता है। अगर हम म्यूजिक को डिफ्रेंशिएट करें तो सबाडेला, ड्यूरिंग मेंसिस अगर इस तरह का म्यूजिक अनबियरेबल है तो नेट्रम कार, और अगर हम सबाइना की बात करें तो सबाइना में लिखा हुआ है म्यूजिक इज इंटॉलरेबल प्रोड्यूस नर्वसनेस एंड गोज थ्रू बोन एंड मेरो, ऐसा पेशेंट को लगता है। अगर हम म्यूजिक काजेज वीपिंग की बात करें तो थूज ऑक्सीडेंटलिस है, अटैक ऑफ एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म एग्रेवेशन फ्रॉम म्यूजिक तो नेट्रम कार्ब है, सेड डिस्पोंडेड म्यूजिक मेक हर वीप थिंक्स ऑफ नथिंग बट डेथ, तो एक ग्रेफाइटिस में लिखा हुआ है, एंड म्यूजिक इज इंटॉलरेबल नेट्रम कार्ब एंड सबाइना में, जैसा कि हम देख चुके हैं। अगर हम आगे बात करें इसके फिजिकल जनरल की तो फिजिकल जनरल में लिखा हुआ कंप्लेन कॉज बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन पर्सपिरेशन, बेड इफेक्ट्स ऑफ चेक पर्सपिरेशन। दोस्तों मैं एकोनाइट का हमेशा यूज़ करता हूँ जहाँ पे पेशेंट ही आके कहता है कि डॉक्टर साहब रात को बाइक से लंबी ड्राइविंग पे चले गए थे, हम राइडिंग पे चले गए थे और ठंडी हवा लग रही थी, उसके बाद घर पे आते ही थोड़ी देर बाद ही, एक घंटे बाद ही, दो घंटे बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, मेरा सिर पकड़ लिया ठंडी हवा में जाने से। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है और आपको ऐसा लगता है, पेशेंट कहता है कि दो घंटे तीन घंटे बाद ही मेरा सिर पकड़ लिया और मुझे सर्दी हो गई या मेरा सिर दर्द होने लगा ठंडी हवा से, तो हम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर को ध्यान में रखते हुए एकोनाइट का सिलेक्शन कर सकते हैं। ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स, अब यहाँ पे उत्तर और पश्चिमी हवाओं की बात की जाए, उत्तरी हवाएं ठंड के दिनों में जब बर्फबारी होती है, ठंडी हवाएं जब चलती है और इसमें कोई पेशेंट एक्सपोजर में आ जाए, उसे कोई एलिमेंट्स आए, और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन पर्सपिरेशन एंड बेड इफेक्ट ऑफ चेक्स पर्सपिरेशन, तो अगर इस तरह के कोई एलिमेंट्स आपको मिलता है, कंप्लेंट्स पेशेंट को आती है एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर की वजह से या चेक पर्सपिरेशन की वजह से, तो हम एकोनाइट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो फॉर कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, जैसे कि हम बात कर चुके हैं एकोनाइट एक्यूट सडन वायलेंट है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के साथ ऐसा कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर हम पेन की बात करें तो इंटॉलरेबल द ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एंड स्पेशली एट नाइट, पेन एट नाइट, तो पेन जो होता है नाइट में होता है, इंटॉलरेबल होता है और पेशेंट काफ़ी रेस्टलेसनेस होता है, क्योंकि रेस्टलेसनेस का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हम आगे देख के आए हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजिशंस द रेड फेस बिकम डेथली पेल और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स, ही फियर्स टू राइज अगेन ऑफन अकम्पनाइड बाय वेनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस। कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन स्पेशली ऑफ टेथिंग चिल्ड्रन, हीट जर्क एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स, चाइल्ड नेव्स एट फीस्ट फ्रेट्स एंड स्क्रेम, स्किन हॉट ड्राई एंड हाई फीवर। फीवर में स्पेसिफिक कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं, स्किन ड्राई एंड हॉट, फेस रेड और पेल एंड रेड ऑल्टरनेटली बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, ये थ्रस्ट बहुत कैरेक्टरिस्टिक है ध्यान रखिएगा, बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, इंटेंस नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, टूजिंग अबाउट एन एगोनी, बिकम्स इंटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। अब बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, अगर यहाँ पे लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल होता तो हम ब्राइनिया के बारे में सोचते हैं, और यहाँ पे इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस जो कि हमें ब्राइनिया में नहीं मिलती, टूजिंग अबाउट एन एगोनी, बिकम्स इंटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। एकोनाइट शुड नेवर बी given simply to control the fever, never alternated with other drugs for that purpose, if it be case requiring aconite no other drug is needed, aconite will cure the cases, ऐसा कहा है कि aconite को किसी दूसरे drug के साथ नहीं चलाना चाहिए alternately, अगर aconite के symptoms मिल रहे तो aconite ही काफ़ी होती है, unless indicated by exciting causes nearly always injuries in first stage of typhoid, अगर कोई कॉजिटिव जैसे कि एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एंड ड्राफ्ट ऑफ एयर की वजह से है या नॉर्थ या वेस्ट विंड की वजह से है तो हम एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं, अगर हम सिंपली सिर्फ बुखार कंट्रोल करने के लिए देते हैं, अनलेस इंडिकेटेड बाय एक्साइटिंग कॉज इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड, तो टाइफाइड के केसेज में हम एकोनाइट देने से पहले सोचना चाहिए। अगर हम दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो फीमेल में स्पेसिफिक एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लिखा हुआ, अमीनोरिया एंड प्लेथोरिक यंग गर्ल्स, ठीक है, अमीनोरिया है कब,
आफ्टर फ्राइट टू एंड टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेसेस। आफ्टर फ्राइट अगर प्लेथोरिक गल में सेपरेशन अमिनोरिया है तो हम एकोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक मॉडलिटीज के साथ कफ यहाँ पे दिया है, कफ क्रूप ड्राई हॉर्स सफोकेटिंग लाउड रफ एंड क्रॉकिंग हार्ड रिंगिंग एंड विशलिंग। एक कफ के करेक्टर दिए हुए हैं कि ड्राई है, हॉर्स है, सफोकेटिंग कफ है, विस्लिंग है, रिंगिंग है। और ये कब होते हैं ये सब करेक्टरिस्टिक? अलग अलग पेशेंट में अलग अलग करेक्टरिस्टिक मिल सकते हैं। किसी में ड्राई कफ हो सकता है, किसी में क्रूप हो सकता है, किसी में हॉर्स के साथ हॉर्सनेस हो सकती है, सफोकेटिंग हो सकता है, विस्लिंग एंड रिंगिंग भी हो सकती है। और ये कब होता है? ऑन एक्सपायरेशन, एक्सपायर सांस छोड़ने पे ऐसा होता है। अगर हम कॉस्टिकम में भी यही है। और अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो स्पॉन्जिया एंड फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्रॉप्स ऑफ एयर की वजह से कफिंग होती है। अगर हम मोडालिटीज़ की बात करें तो जैसा कि हम देख के आए हैं, शाम और रात को तकलीफ बढ़ जाती है, पेन्स आर इनसपोर्टेबल, इवनिंग एंड नाइट पेन्स आर इनसपोर्टेबल इन वार्म रूम व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड से भी इसको एग्रेवेशन होता है। ये पर्सन ऑफ नेक्स्ट स्विमिंग का में बेस एम्यूलेशन इन द ओपन एयर, जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हो एल्यूमिना मैकार पल्सेशन सबाइडा में भी ओपन एयर से एम्यूलेशन होता है। अगर हम इसके स्पेसिफिक रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफी एंड फीवर, कॉफी एंड फीवर, स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेबल पेन एंड टू आर्निका एंड ट्रोमेटिज्म एंड टू सल्फर इन ऑल केसेस, रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर विच ब्रिंग्स आउट इरप्शंस। इरप्टिव फीवर में एकोनाइट का कोई रोल नहीं है। सल्फर के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री टू सल्फर इन ऑल केसेस, क्योंकि सल्फर इज अ क्रोनिक ऑफ एकोनाइट, एंड टू आर्निका इन केस ऑफ ट्रोमेटिज्म एंड कोफिया इन केस ऑफ फीवर। एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रोसीड्स एंड फॉलो इट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केसेस में हम एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रोसीड्स एंड फॉलो इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो दोस्तों ये थी एकोनाइट नेपलस, आपको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।